अरे भाई बहुत ही डरावनी गुफाएं है जी। देखो बड़े भाई कितनी भयंकर भयंकर गुफाएं बनाई गई है। हाँ तो ये जयराम जी की, तो बड़े भाई आप सभी को पता है हमें कहाँ पे पचमढ़ी में, तो बड़े भाई रात भर हमने देता हम सो कहा सभी के खूब हाथ पाँव दुख रहे थे तो रात भर सोए। अब है समथिंग कितने बजे का 7, अब 7:30 बजे गए बड़े भाई। अब हम उठ रहे हैं, अब थोड़ा नहाएंगे धोएंगे फिर नाश्ता करने जाएंगे और फिर आज करते हैं जिप्सी बुक और फिर चलते हैं कहाँ बीफाल घूमने और क्या कहते हैं धूपगढ़ मेन पॉइंट है ये। तो आज बढ़िया ये चीज़ें घूमेंगे, बहुत ही मज़ा आ जाए। अपन बढ़िया बीफॉल में दैतान नहे ठंडे ठंडे पानी में गया नीले छपा गया। हाँ तो बड़े भाई हम सब हो चुके हैं क्या तैयार, रेडी हो चुके हैं और बाकी सब लोग भी तैयार हो ही रहे हैं। अब चलते हैं बड़े भाई अपन कहाँ बाइसन लॉज, उधर जाके अपन खरीदेंगे क्या नहीं बुक करेंगे क्या जिप्सी और जिप्सी से चलते हैं कहाँ बीफॉल और कहाँ धूपगढ़ वगैरह और मस्त मस्त बीफॉल में नहाएंगे अच्छे नंगे पुंगे हो गए। चुप तो रह रे, गुस्से में इधर उधर निकल जाता और जी यार गाइस चिल्लाते रहते हैं यार, अब समझ में नहीं आता यार लल्ला है हमारा। गाइस हम आ चुके हैं नाश्ता करने, हम खा रहे हैं गाइस क्या पोहा, 30-30 रुपए का पोहा। निशांत को घूमने का मन नहीं है, हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे बाइसन लॉज पे। अब इधर अंदर जाके पता करते हैं जिप्सी का कैसा क्या है और कहाँ कहाँ जाना है कितना क्या प्राइस है। ये है बड़े भाई इधर का बाइसन लॉज, इधर पूरी टिकट कटती है कहाँ जाना है कैसा क्या है का ऐसा है बिल्कुल पर्चा पर्ची कहाँ जाने का कैसा क्या है आप देख सकते हो अच्छे से। ये हमारी गाड़ी जी, तो अपन पहले चलते हैं। ये हमारे ड्राइवर जी, हाँ पहले चलते हैं कुछ हमको, हाँ बाद चलेंगे बीफाल, बीफाल फिर चलेंगे लंच फिर चलेंगे धूपगढ़ जी। तो बड़े भाई हमारी जिप्सी बुक हो चुकी है, टोटल कितने 3210 रुपए लगे और उसमें 500 रुपए और एक्स्ट्रा लगे क्योंकि हम जाएंगे भाई रम्यकुंड, बहुत हिडन प्लेस है और बहुत ही सुंदर प्लेस है भाई लोग वो। तो गाइस हम बैठ चुके हैं कहाँ जिप्सी में, अब जा रहे हैं हम कहाँ रम्यकुंड। हाँ अंकल जी कहाँ रम्यकुंड चल रहे हैं ना पहले, हाँ वहीं चलते हैं बढ़िया। हाँ बढ़िया टपरिया खोल ली हमने जिप्सी की क्योंकि मज़ा नहीं आता यार टपरिया लगे लगे। ये कहाँ रम्यकुंड, रम्यकुंड जा रहे बड़े भाई, भारी खतरनाक रास्ता है, तुम देखो क्या व्यूज नज़ारे ही देखो तुम बड़े भाई, कितने बढ़िया बढ़िया पहाड़ हैं। और भैया जाओ तो बिल्कुल खाई है यार, ओ गाइस व्यू देख सकते हो आप कितने प्यारे प्यारे व्यूज है भाई, देखो कितने सुंदर सुंदर व्यू, पहाड़ी पहाड़ दिल गार्डन ही गार्डन हो रहा है। गाइस हम पहुंच चुके थे लोकेशन पे, अब यहाँ से सीढ़ियाँ मीढ़ियाँ हैं नीचे, इधर से नीचे पहुंच के रम्यकुंड। जल्दी जल्दी गाइस अब सफर नहीं हो रहा रम्यकुंड में नहाने के लिए। ये हमारे गाइड जी हैं, क्या नाम है अंकल जी आपका, बराती नाम है इनका। आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे, 2006 से। अच्छा तो 18 साल हो गए। अच्छा तो आपकी ये गवर्नमेंट जॉब है क्या, नहीं अच्छा जुड़े हुए उसमें मतलब यूनियन बना हुआ। अच्छा यूनियन में जुड़े हुए मतलब कि कोई डिस्टर्ब ना करे, हाँ हाँ पुलिस वाले या आर्मी वाले या कोई भी। अच्छा क्योंकि बहुत से धमकी देते हैं क्या गाइड है ये क्या है, हाँ हाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा पहले हम लोग 85 लोग थे, हाँ अब 200 हो गए, 85 से अब 200 हो गए। अच्छा पुराने गाइड जो 85, हाँ हाँ बाकी नया भर्ती हुआ। अच्छा भाई बहुत सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ा था, थक गए हम तो तई में, हम सोच रहे हैं लौट की दाम का हुआ, पसी पसी हो जाए, हाँ सांस फूल जाए, हाँ हाँ पल्ला हाँ हाँ हाँ। जैसे भाई जैसे जैसे हम नीचाई की ओर बढ़ते जा रहे हैं ठंडक बहुत बढ़ते जा रही है, इधर ऐसा लग रहा है गाइस कि एसी चल रहे हो नीचे से, कहा लग रहा हो नहीं ऐसा ही। और बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं, तो देखो पत्थरों में झिर रहा तनक तनक पानी, ये वाले पत्थरों में बस पहुंच गए गाइस, और कितना प्यारो लग रहा है यार भाई, देखो 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 जो देखो कितना प्यारो व्यू है भाई, तेरे पक्की है तेरी बहन की चित जागा छट जागा, अभी पुलिस न जा रही है भाई लोग। ये है पचमढ़ी की सीक्रेट प्लेस रम्यकुंड, बड़े भाई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है यार, कितना साफ पानी देखो आप,
बिल्कुल छनो कंच पानी भाई, नहावे मजा आ जाए यार जामे तो यार भाई लो माँ कसम इतना अच्छा वाटरफॉल, मतलब वाटरफॉल क्या झरना जो भी कहे इसको, मैंने जीवन में पहली बार देखा है भाई। बिल्कुल छना कंच पानी यहाँ पे, और इतना सुकून मिल रहा है ना यहाँ पे कि जीवन में कोई इतना सुकून मिला ही नहीं मेरे को। देखो कितना प्यारा पानी भाई, बिल्कुल छना कंच पानी। तो गाइस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या फिश स्पा फ्री ऑफ कॉस्ट, इतनी गुलगुली लग रही भाई पाँव में, मछली देखा मोबाइल देखो भाई, फिश स्पा फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई बहुत ठंडा पानी है, ठंडा पानी भैया, ठंडा पानी भाई बहुत भयंकर। धीरे धीरे यहाँ पे बहुत से लोग आने लगे हैं, और भाई एक नंबर कुंड है यार भाई, तुम भी जरूर रहियो, रम्य कुंड पचमढ़ी से 2 किलोमीटर दूर है, जिप्सी कर लियो, 500 रुपये एक्स्ट्रा लगे, लेकिन भाई पैसा वसूल है पूरा। देखो सब नहा रहे हैं बढ़िया एक नंबर तरीके से, चलो अपन भी नहाएंगे जल्दी जल्दी, फिर ऐसे नहा के अपन चलते हैं कहाँ पे बी फॉल, और उधर भी नहाएंगे बढ़िया मजा कह रहे हैं भाई। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ठंडा पानी है, लेकिन भाई बहुत पीला पीला क्यों निकल रहा है, कुछ क्या हो रहा है बहुत मजा आ रहा हूँ भाई, बहुत ठंडा पानी भैया, हमने रामकुंड में नहा लो खूब कूद कूद के, बहुत ही ठंडा पानी। तो बड़े भाई अब हम इतने से जा रहे हैं कहाँ पे, रीछगढ़, और हमारे गाइड हैं हमारे साथ, इधर पे हम जाएंगे पहले रीछगढ़, फिर उधर से चलेते हैं अपन कहाँ बी फॉल, और शाम को 4 बजे बड़े भाई अपन चलेंगे कहाँ पे धूपगढ़, मजे ही मजे इसकी माँ का, मजे ही मजे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब भाई इधर से बिल्कुल चढ़ाई कर रहे हैं, और नहाने के बाद बड़े भाई बहुत थक चुके हैं भाई, ऊपर चढ़ते चलते बहुत थक गए, हाँ पर लगे ढोरो भाई कुत्तों भाई का, कोई कुत्ता भगा था ना कहूँ कर रही थी, और हाँ पता अब अपन बैठ गए बड़े भाई, कहा मैं जिप्सी में, अब अपन चलते कहाँ रीछगढ़, उधर देखेंगे कुछ ना कुछ। अब कहते हैं कि भाई पहले उधर रीछ रहते थे, जानवर वगैरह रहते थे, अब तो नहीं रहे, दिखा था हम तुम्हें रीछगढ़ कैसे कहा है। हम आ चुके हैं कहाँ पे, रीछगढ़ की गुफाएं देखने, ये देखो गाइस इधर फोटो शूट करने लगे, जिनके जो ही नौटंकी बड़े भाई, जहाँ देखो वहाँ फोटो ही फोटो जी भाई, ये बहुत खतरनाक गुफाएं गुफा बड़े भाई, रीछगढ़ की गुफा बहुत खतरनाक, बहुत चौड़ी गुफा बड़े भाई, मोगली जही शूटिंग हुई थी, ये मोगली की देखो कितनी भयंकर गुफाएं हैं। इतना आज से कौन है अपनी अपनी प्रेमिकाओं को नाम भी लिखोगा, वह जो देखो स्वाति सुमित, सामने दिख रहा है ये लहर, हाँ दिख रहा है आपको, हाँ जो पानी के कटाव से ये गुफा बने हुए, अच्छा किसी जमाने में इसमें समुद्र में डूबा हुआ था, जब हल्का फुल्का मटेरियल जब बह के चला गया, हाँ इसलिए इसका नाम दिया गया रीछगढ़, अच्छा। रीछ मतलब भालू, हाँ जो गुफा के अंदर गुफा बने हुए 10 फीट है, हाँ अंदर जाएंगे उधर, हाँ और 5 फीट है, अच्छा देखेंगे 10 फीट है, राइट में देखेंगे 5 फीट गुफा, उसके आर पार आप ऐसे निकलेंगे तो उधर लेफ्ट में पहुंच जाएंगे सामने, दो पहाड़ों का मिलन हुआ दिख रहा है आपको, हाँ हाँ क्योंकि ये पहाड़ी मजबूत नहीं है, हाँ जो सेडिमेंटरी रॉक्स है मतलब सैंडस्टोन पत्थर, बरसात में पानी जो आप कर लेते हैं माउंटेन जितना धूप तेज पड़ता बूंद बूंद छोड़ता है, इससे आगे जाकर वाटरफॉल बनता है, अच्छा इसमें अशोक को मूवी शूटिंग हुआ शाहरुख खान करीना के, जो सामने दिख रहा मैदान जहाँ पर शाहरुख खान करीना के बच्चों से कहा तलवार लड़ने के लिए अशोक का, अच्छा और उस गुफा में जाते गुंडों से बचने के लिए छुपते, गुंडों से छुपते हैं मतलब, अच्छा एक पिक्चर बने चक्रव्यूह नाना पाटेकर तब्बू का इस जगह पे, और धाकड़ और चक्रव्यूह और जो पिक्चर को शूटिंग होती रहती है पर, अच्छा तो इस जगह पे अंग्रेज और आदिवासी को भालू देखने को काफी मिला, इसलिए इसका नाम दिया रीछगढ़, अच्छा भालू से कोई मतलब नहीं है, हाँ हाँ क्योंकि 11 नंबर आने लगे तो 4 पैर के भग गए, अपन इंसान आने लगे तो भग गए जंगलों पे, अच्छा तो जे रास्ता अपन जाते हैं डचेस फॉल जो 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो उधर से देखने के बाद ऐसे गाड़ी वाला रोड ऐसा जाते हैं, जैसे बच्चे आते हैं ट्रेकिंग करने वाले मतलब मार्केट सिटियों में नहीं हो पाता, किसी को ग्रीन देखने को मिलना पता, पूरे पचमढ़ी जो दिख रहा है ग्रीन मिलेगा आपको, साल के झाड़ है, अच्छा बड़े भाई अपने गाइड अंकल ने बताई थी गुफाओं के बारे में, चलो मैं तुम्हें बे गुफाओं के अंदर लेकर चल रहा हूँ। बड़े भाई बहुत ही डरावनी गुफाएं हैं जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है News 24 वाले बन गए हमको, वो सच तक कजनका का चैनल है, तो नहीं देखो कितनी खतरनाक गुफाएं हैं, कितनी डरावनी जी। देखो बड़े भाई जिनमें भालू मालू रहते पहले रीच मीच, अब जैसो भी है अपने पता नहीं है कछू,
जी देखो बड़े भाई कितनी भयंकर भयंकर गुफाएं बनाई गई हैं। भाई देखो कितनी भयंकर चमगादड़ है बड़े भाई, जा मैं बहुत भयंकर भयंकर चमगादड़ घुसी जा मैं। ए चलो रे निकल पक यहाँ अभी ना, तरफ हम जवाली गुफा से बड़े भाई एग्जिट हो रहे हैं। देखो कितनी सकरी सकरी सी गुफाएं हैं यहाँ, गुफा में से निकल चुके हैं गाइस हम, बहुत भयंकर गुफा थी जी, इनमें भालू रहते बड़े भाई पहले अंग्रेजों ने और कछु आदिवासी लोगों ने देखी थी। बाहर निकल के बड़े भाई देखो क्या नजारे हैं तक भाई, पचमढ़ी तो बिल्कुल फुल पैसा वसूल है, गोवा मुआ जावे की जरूरत नहीं है, तई आओ बिल्कुल नेचुरली फ्रेम जहाँ जाके अपन फोटो खिंचवा चुका था, देखो बिल्कुल फ्रेम बनी हुई है पेड़ की, वाह यार क्या प्रकृति है यार। कैसा लग रहा है आपको पचमढ़ी में? बहुत ही मजा आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं? तो इतना सैड सैड क्यों हो तुम? तो भाई ये जमोड़ा ना घरा नहीं बताया कि जो पचमढ़ी में घूम रहा है वो पता है हरामी हो। हम खा रहे हैं बढ़िया बढ़िया का लेस और अब निकल रहे हैं हम कहाँ, बीफाल की तरफ। दिशांत भाई हो गए हमारे गुस्सा, जिदोइयों को लड़ाई, चूमा ले लो किस कर दो एक दूसरे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कहाँ, बीफॉल के चेक पॉइंट पे। अब इधर पे पर्ची कटवा के इधर से अब जाएंगे बिल्कुल नीचे, बीफॉल पड़ता है। अब बीफॉल का व्यू दिखाएंगे आपको बड़े भाई। इधर कटती पर्ची, पर्ची तो खैर अपन ने कटवा ली थी पहले ही, 3,000 रुपये लगा था उसी में इंक्लूडेड है ये सब कुछ। भाई हम पहुंच चुके हैं कहाँ, बीफॉल, और कूद गए कहाँ से, जिप्सी से। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा क्राउड होगा क्योंकि जिप्सियाँ जहाँ तहाँ भाई जिप्सी जिप्सी खड़ी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा क्राउड होगा उधर। देखो पूरे में जिप्सी जिप्सी खड़ी हैं भाई, तो भाई क्राउड देखो आप, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। और मोबाइल भैया हमारे डिस्चार्ज हो चुके हैं पूरे। जी आ चुके हैं बड़े भाई अपन कहाँ, व्यू पॉइंट पे। देखो जब व्यू पॉइंट से तुम जहाँ बिल्कुल घनो जंगल देख सको तो, और नीचे देख सको तो बड़े भाई का बीफॉल, यहाँ से देखो जो पानी को झरना चल रहा है और नीचे बड़े भाई देखो लोग नहा रहे हैं भाई, देखो बे तन्नक तन्नक से बरबूता से। ये मिनी वाटरफॉल है, मिनी वाटरफॉल जो सामने डैम बना दिया है वैसे वाटर सप्लाई के पचमढ़ी के लिए, अच्छा वो बंद कर दिया। हाँ ये वाटरफॉल देख रहे हैं अपन, तो जहाँ से इस जगह पे आदिवासी फिर वे इसके अंग्रेज इस पहाड़ का हानि ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम दिया बीफॉल। अच्छा BEE। हाँ हाँ मधुमक्खी ज्यादा। हाँ उस वाटरफॉल में नहाएंगे नहाते समय ऊपर साइड देखे मधुमक्खी जैसे पानी गिरेगा शरीर पर, नहाने के बाद बाहर निकलेंगे तो लगेगा मधुमक्खी चल रहा है, इसमें गहरा नहीं है। हाँ इसमें कोई होशियार पर नहीं दिखाना का मतलब आप ठंडे पहुँचना या जो है, क्योंकि स्लीपी होता है काई रहता है। 400 मीटर डीप में जाना, 400 मीटर ऊपर ना। हाँ। जो किसी नदी ना किसी नालों से कोई संबंध नहीं है, जो पहाड़ी दिख रही है रेतीली पहाड़ी मजबूत नहीं है। हाँ। सैनिस्टन पत्थर है, बरसात में पानी जवाब कर ले माउंटेन जितना धूप तेज पड़ता है गुरमुच होता है, ऐसे आगे वाटरफॉल बनता है। अच्छा इसका पुराना नाम दिया गया जमुना परपार, मतलब छोटे छोटे जामुन के हाल लगे इसलिए इसका नाम दिया गया जमुना परपार। अच्छा बाद में दिया भी इसमें ऊपर जाएंगे लेफ्ट में उतरेंगे नींबू पानी दुकान लगाऊंगा उसके आगे जाके लेफ्ट गाइडेंस कर ले, हमको यहीं छोड़ दिया है। अब बोल रहे आगे का रास्ता आप ही तय करो क्योंकि इतने नीचे जा बहुत डीप में है भाई, क्योंकि ज़्यादा बूढ़े लोग बुजुर्ग लोग क्या है इधर सांस की प्रॉब्लम होने लगती है तो सियाने बरतते हैं वो हम बढ़ते हैं, तो क्या है अपन यंगस्टर लोगों के लिए ये जगह, तो ते कोई बड़े भाई दम की बीमारी हो हृदय रोगी हो तो वो बीफॉल नहीं आए तो बहुत गहराई में है जो, और कोविशील्ड तेने लगवाई हो वो तो बिल्कुल नहीं हो, मैंने लगवाई मैंने भैया तू लगवाई देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। ले 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 नीचे जावे के मध्य बड़े भाई बहुत सीढ़ी है जहाँ, और बहुत भयंकर बिल्कुल ऐसी खड़ी चढ़ाई है तेज भैया, आओ तो अपने रिस्क पे ही हो कैसे बहुत मतलब खैर हाँ रिस्क में ज़्यादा कछु है नहीं है लेकिन बहुत थक जाओ भैया बड़े भाई यहाँ। ये देखो बंदर गैंग बैठी पूरी, मोबाइल मत ले जाइयो है हमरो छोड़ियो ना गाइस, यहाँ पे ऊपर चढ़ते चढ़ते किसी ने चरक दिया है गाइस। कौन है रुक कहाँ से आते गाइस, आ चुके हैं बीफॉल, बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही बड़े भाई और बहुत मन कर रहा हो सटाक से जाओ और भड़ाक से कूद जाओ कूद जाओ नहीं पतरा पतरी मत के। अब देखो तुम बीफॉल कम से कम बड़े भाई 40-50 फुट 60-70-80 फुट के ऊपर से पानी झरना बह रहा हो जो, और बड़े भाई सब मजे से नहा रहे हैं देखो। अब जा रहे हैं हम कहाँ नहाने,
ऐसे गर्मी बहुत लग रही है और रेस्ट भी कर लो 5-10 मिनट को। अब जा रहे हैं हम नहा भे। नहा लिया है, बीफोल में बहुत कर रही है, बहुत ठंडो पानी तो, और भैया तो कर रही से पानी ऊपर से फिर रहो तो नहीं, मेरा सूजन चढ़ गई जा रहे हैं लग रहा महूक ने टॉच टाँच दा हो। और देखो भैया सबरे नहा रहे जिके डर रहे हैं कहूँ हो जाने। अब हम लौट चुके हैं बीफॉल से, ऊपर की ओर जा रहे हैं, ऊपर मिले हैं अपने गाइड दद्दा, और फिर भी हमें छोड़ा थोड़ा बहुत लंच कर एक मध्य तो कहीं भी हम खाना वाना खाएंगे, और उसके बाद हम निकलेंगे कहाँ धूपगढ़ की ओर, और धूपगढ़ और घूम घाम के फिर हम प्रस्थान कर देंगे हमारे घर की ओर, और शायद तक पांडव गुफा भी जा सकते हैं हम। और बड़े भाई जा चाह इतनी भयंकर नहीं, नहावे के बाद तो चढ़वे को मना ही नहीं हुए, हाँ पर लगे कुत्तों वहाँ ही फिरता है। ओए कहाँ पहुँच गए रे? और गाइस रेलिंग से सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ हम थक गए थे, तो हमने जो जंगल वालों शॉर्टकट अपना लो, और यार बहुत मधुमक्खी है रे कहाँ ये यार मधुमक्खी मधुमक्खी चीते हैं तो नहीं अपने गाइस बरेलिंग है हटिए। और हमने बरेलिंग से भांस है हम ऊंदगांद के जंगल में जहाँ जा रहे हैं, जैसे तैसे बड़े भाई थकत थकत हम पहुंच गए हमारी जिप्सी के पास। अब चलते हैं बढ़िया कहीं जाके भोजन करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं कहाँ पे धूपगढ़, ठीक है सनसेट देखेंगे उधर जाके। ये गाइस बैठ चुके हैं अपनी जिप्सी में, अब तो हिम्मत ही नहीं बची बड़े भाई कुछ बोलवे की। बड़े भाई हम कहाँ बेटा बावर्ची इधर खाएंगे क्या खाना, भोजन करते हैं यहाँ पे अपन, यहाँ तो बिल्कुल फॉग मॉग हो रही थी, पानी मानी बरसा रहे थे। बड़े भाई भूख लग रही बहुत कर रही से, अब आ गए हम बेटा बावर्ची खाना खाने, अब लपक कर खाना खाए हैं, और खाना खाए के बाद चलते हैं अपन कहाँ धूपगढ़। देखो भाई हम लोग आए हैं कहाँ, होटल टटियावाड़ी। कौन सी टटियावाड़ी? होटल टटियावाड़ी। पापा में तो माँ का खाओ का पापड़। पापड़ गाइस भोजन वोजन हो चुके हैं, अब आ गए अपन अपनी जिप्सी के पास, अब चलते हैं जहाँ भी जाना होगा। गाइस अब हम जा रहे हैं कहाँ धूपगढ़, और रास्ते में दो चार पॉइंट और मिलेंगे अपन, देखते हैं मजे ही आएगा, बताते हैं क्या क्या पॉइंट है। और ये भूख थक गया यार, मूड तो कर लगो आ रहा बहुत। ये पुल बड़े भाई बिना कुछ सपोर्ट के बनाया गया है अंग्रेजों के द्वारा, और बड़े भाई बहुत गहरी खाई है ये इसमें, ये सिर्फ अंग्रेजों ने बनाया था इसको बहुत सालों पहले 1860 समथिंग नागद्वारी के मंदिर बड़े भाई। अच्छा इधर से पैदल जाते हैं नागद्वारी। अच्छा फोटो को नीचे दिखाना बीच में। हाँ 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 12 किलोमीटर। अच्छा जब मंदिर पड़ता है नागद्वारी का। ये भैया आसन दृश्य, इधर बैठ के आप आसन कर सकते हो इधर, ये देखो बड़े भाई इतना पूरा ब्रह्मांड दिख रहा हूँ, मोर दिख रहा हूँ अभी नहीं देख रहा कौन सा तवा डैम। अच्छा इधर से गाइस तवा डैम भी दिखता है, अभी कोहरे के कारण दिख नहीं रहा है। ये क्या भव्य दृश्य क्या ना। अच्छा हाँ पहाड़ अंदर जो बने हुए पूरे पहाड़। अच्छा ये पूरे पहाड़ मूर्ति है भोलेनाथ की। हाँ हम पहुंच गए बड़े भाई कहाँ धूपगढ़, तो हम सबसे पहले जा देख भी जा रहे हैं कहाँ सनराइज पॉइंट, जहाँ से सूरज उगने का पॉइंट दिखता है। पानी पी रो जो बंदरा देख लो जाना उल्टी बाटल फाड़ ली है। अपन आ चुके हैं बड़े भाई कहाँ सनराइज पॉइंट, इधर से होता है क्या सनराइज, और अपने गाइड साहब से पूछते हैं इधर कैसा क्या है इस पहाड़ के बारे में। क्या मालूम क्या बना जी क्या मालूम कैसे दिख रहा होगा इस को धूपगढ़ क्यों बोला जाता है? पहला किरण आखिर किरण इस पहाड़ पर टच रहता है इसलिए इसका नाम दिया धूपगढ़। अच्छा इस पे छत्तीसगढ़ से सबसे ऊंची चोटी है 4429 फीट 1352 मीटर। अच्छा सनराइज और सनसेट इस साइड देखेंगे तो आपको झील देखने को मिलेगा। हाँ। एक रास्ता बनेगा ऐसा तो 100 किलोमीटर पड़ता है मढ़ई के लिए। अच्छा नागद्वार के लिए। हाँ। एक रास्ता देखेगा जो 1.5 किलोमीटर पैदल आते हैं सनराइज और सनसेट देखेंगे अंग्रेज के लिए। मार्केट देखने को मिलेगा आपको, हेलीपैड देखने को मिलेगा। अच्छा और जब अपन बीफार गए तो पहाड़ी देखने को मिलेगा। इस साइड चौरागढ़ मंदिर देखने को मिलेगा। अच्छा तो वहाँ से देख के प्रॉपर सनसेट की ठीक है ठीक। गाइस ये है क्या अपने बराती भाई ने बताया
ये है सनराइज पॉइंट, आइए देखिए। ये देखो बड़े भाई, ये है क्या सनराइज पॉइंट, और वो दिख रहा है बड़े भाई अपन को क्या, चौरागढ़ मंदिर। जब सनराइज होता है ना, जब मतलब सूरज उगा तब भंसारा तो झाई से बड़े भाई पहली किरण जय पहाड़ी पे आता है, कैसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी यही है। वो देखो बड़े भाई भोपाल, वो दिख रही क्या झील दिख रही, भोपाल नहीं सॉरी कोहा गई, इसे देखे में डर लग रहा। और जब बंदरा देखो बड़े भाई कितने कहाँ कहाँ जा रहा हूँ बड़े भाई, अगर जो गिर गया नहीं कपा तो बचने हैं नहीं, फट जाएगा। लिंगा जाती है सामने, बोल बता। तो गाइस हम बाइनोकुलर से देख रहे हैं क्या इधर का व्यू, जो जो पास में दिखेगा। अरे अच्छा नहीं दिख रहा यार, अरे दिख रहा है थोड़ा नीचे करिए सामने से, अब जंगल दिखा आपको। अरे आँख अजीब, थोड़ा पास में करिए, आपकी आँख पे सेट नहीं हो रहा होगा इसलिए। हाँ दबा लीजिए उसको, अब हुआ बराबर, कच्ची रोड पे। हाँ थोड़ा हाँ और दबा लीजिए हल्का सा, हम इसलिए तो बोले आपसे नहीं बने तो हम सब कुछ ले लीजिएगा। बहुत खाई दिख रही है इसमें, बहुत बिल्कुल जोरे दिखा रहा हूँ बड़े भाई, हर चीज पास बोलो जोरे नहीं, ऐसे तो नहीं होता है, नहीं हम रहते हैं भाषा ऐसा ही। भगवान आप पास दिख रहा है सब कुछ, और शेर दिखा रहा होगा, शेर शेर बैठा है गाइस इधर। गाइस हम देख चुके हैं क्या सनराइज पॉइंट, अब हम जा रहे हैं क्या सनसेट पॉइंट देखने। और यार ये इतनी जल्दी हमें लेके आ गया यार, अब दोपहर ही है, अब हमें लग रहा हो सनसेट जब तक हुआ जब तक हमें जा रुकना पड़े। कहा बड़े भाई सनसेट तो देख के जाए यार, तो पैसा खर्च करो सब कुछ करो, तो चलो अपन चल रहे हैं सनसेट पॉइंट पे। यह रास्ता बड़े भाई सनसेट पॉइंट की, भाई यार जहाँ गया गड्ढे मत के बंद रहेंगे, कोई भाई के ऊपर चढ़ जा रहे हैं भाई, तो कोई की बाटल छुड़ा रहे हैं, कोई कुछ छुड़ा रहे हैं, तेज बड़े भाई सावधानी पूर्वक आई होते हैं। ये बड़े भाई धूपगढ़ का ये घर मानने का जन कहा है। ये बड़े भाई धूपगढ़ की देखो ऊंचाई, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ये सूर्यास्त पॉइंट, ऊंचाई 4429 मीटर, अब ये कछु भी हो किलोमीटर। इस जगह पे बैठ के अपन सनसेट देख सकते हैं, और बड़े भाई ठंड के टाइम पे तो और मजा आता है, पूरे चारों तरफ पहाड़ बिल्कुल कोहरा ही कोहरा रहते हैं, गैगट मजा आता है वो। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे, धूपगढ़ में, कहाँ सनसेट पॉइंट में। इधर बैठ के बड़े भाई सब लोग जो भी यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अरे कहना क्या चाहते हो, सब लोग रहते हैं सब इधर बैठ के क्या करते हैं सनसेट देखते हैं। अभी तो खैर बहुत धूप हो रही है, जो देखो सूरज बड़े भाई इतने ऊपर है, सूरज मामा इतने ऊपर है और इतने तक डूब है भाई, तो हमें तो बहुत टाइम है बड़े भाई सनसेट होने में, तो जब तक हम इतनी बैठे सनसेट हम तुम्हें बताए हैं। अभी तो बहुत धूप है तो सनसेट तो अपन देख नहीं सकते, तो चलो अपन इधर सोते हैं, मुड़ी से तरह रख लेंगे रुमाल। तो गाइस अभी बज रहे हैं कितने 5, और सनसेट होगा समथिंग 7-7:30 बजे तक, तो जब तक हम ऐसे ही डर रहे हैं। बिकॉज वी आर डाउन टू अर्थ ना, डाउन टू अर्थ आदमी, तो जब तक ऐसे ही वहाँ से डर रहे हैं। और बड़े भाई ये तो रील्स बन रही, देखो बड़े भाई हम आए थे सनसेट देखवे, लेकिन हमें रील्स देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम आए थे सनसेट देखने, लेकिन हमको रील्स देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत मजा आ रहा है गाइस, सनसेट से कम भी नहीं, 2-3 घंटे आराम से निकल जाएंगे गाइस। यहां पे कच्चा बादाम का प्रोग्राम रखा गया है, मिल बोर पानी गाइस, यहाँ लूटपाट चल रही है, बंदर ने लूटा एक अंकल को, जगह ना हो तो अच्छा बंदर रहा है और पूरी जगह खाली गाइस। धीरे धीरे फाइनली सनसेट होने लगा है, और यहाँ धीरे धीरे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी है, आप देख लो, देखो गाइस सनसेट होने लगा है, और भीड़ देखो भाई इधर, फाइनली सनसेट होने वाला है। सूरज बड़े भाई जब पहाड़ के नीचे घुस जाए भड़ाक से, गाइस हमने फाइनली आपको सनसेट दिखा दिया है, सनसेट हो चुका है बिल्कुल, देखो पूरा सन हो गया सेट इन द पहाड़। और भैया सब पब्लिक इतने भगल लगी, सब अपने अपने घर चले, क्योंकि सनसेट हो चुका है भाई पूरा, ये देखो। तो चलो अपन अपने घर चलते हैं अब, और घर चले भैया, अब पहुंचते हैं अपन अपनी जिप्सी के पास, और फिर जिप्सी में अपने बराती भाई को देखते हैं, बराती भाई भक्त रहेंगे, और अगर बराती भाई भग गए होंगे
तो फिर चलते हैं पैदल यात्रा है नहीं नहीं जिप्सी खड़ी होगी जिप्सी से चलते हैं भाई सन लॉज उधर अपनी कार है कार को उठा के निकल जाएंगे हमारे घर बनगेड़ी गाइस हमारी जिप्सी हरा चुकी है गाइस अब हम हमारी जिप्सी ढूंढते हैं इतनी जिप्सी हमें कहाँ है कहाँ नहीं ऐसा लग रहा हूँ हमें छुड़का लग गए लग रहा हूँ ऐसा फाइनली हमको जिप्सी मिल चुकी है अंकल इधर कोने में थे तो हमको मिल गए अब हम दोनों बैठे हैं लल्ला और हम और आगे दो तीन दोस्त और हैं आगे खड़े हैं तो ठीक है गाइस अब अपन निकलते हैं अपने घर की ओर पायसन लॉज जाएंगे उधर अपनी कार खड़ी है उधर से अब उठाएंगे अपनी कार गाइस बराती अंकल जा चुके हैं हमको छोड़ के तो हमने जगह ले ली बराती अंकल की बराती भाई 2.0 ये हमारे अंकल जी और ये बैठे हैं हम सब गाइस धूपगढ़ से आगे हमको छोड़ दिया थे हमारे जिप्सी वाले अंकल ने और हम आ गए क्या केक लेने क्योंकि हमारे इस लल्ला का है क्या बर्थडे हैप्पी बर्थडे लल्ला थैंक यू इधर ही काटेंगे बड़े भाई केक और फिर निकलते हैं अपने घर की तरफ गाइस हमने खरीद लिया है केक देख भैया कितने महंगे केक है गाइस केक कटिंग सेरेमनी हो चुकी है अब केक चटाई हो रही है अब हम निकलते हैं हमारी घर की तरफ क्योंकि आज और रात रुके तो हमारे घर वाले हमारी फाड़ गए हमारे घर वाले मतलब हमारे हाथ पांव तोड़ दें तो गाइस अब चलते हैं अपन अपने घर की तरफ आराम से जाएंगे रात हो चुकी है तो ठीक है गाइस अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है जय राम जी की